कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल डिश आप लोगों के लिए। और भाई मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ऐसी अच्छी प्यारे प्यारे वीडियोस में हमेशा आपके लिए लेके आता रहूंगा आगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर टिक्का, स्वादिष्ट हमारा फेवरेट। और भाई ये 99% इंडियन का फेवरेट फूड है और ऑल ओवर वर्ल्ड भी भाई ये खाया जाता है। तो पनीर टिक्का आज हम बनाएंगे अपने घर पे, इतनी प्यारी और अच्छी रेसिपी। और मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और मैं दिखाता हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आज यूज़ करने वाले हैं। तो जो जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करने वाले हैं वो हमारे सामने है भाई, आपको बता देता हूँ क्या क्या लिया हमने। ये एक कटोरी दही कर ली है, धनिया, मिर्च, लहसुन, प्याज, ये हमने हरी चटनी बनाने के लिए ली है, इनका यूज़ करेंगे हम हरी चटनी बनाने के लिए। और हमारे सामने है हमारा फेवरेट पनीर। ये पनीर, एक बड़ी शिमला मिर्च, एक बड़ा प्याज जिसको हमने छिलके में कट कर दिया है, और ये लिया हमने रोस्टेड बेसन, एक नींबू, दो चम्मच ऑयल, और ये हमने ली है एक बड़ा बाउल कर्ड का। और ये है हमारे सामने मसाले के ट्रे हमारे, जिसमें सेंधा नमक, जीरा, हल्दी, नम, ये सब चीज़ें हैं। और ये हम पनीर टिक्का बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट के लिए हमने स्मिथ एंड जोन्स का ये पाउच मंगवाया है। आप चाहें तो घर पे भी जिंजर और गार्लिक को पेस्ट बना सकते हैं, बट हमने बाहर से मंगवा लिया। तो भाई अभी मैरिनेट करते हैं हम पनीर को दही के साथ। मैरिनेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने मिक्स कर लिया अजवाइन, अब लेंगे थोड़ा सेंधा नमक और जो रेगुलर साल्ट यूज करते हैं वो भी लेंगे, थोड़ी सी हल्दी, और इसमें ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसमें चार चम्मच जो ऑयल है वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा ऑयल हो गया है अच्छे से दही में मिक्स। और इसमें थोड़ा स्वाद के लिए, कलर के लिए डालते हैं एक छोटा चम्मच लाल मिर्च, जो रोस्टेड बेसन था वो ऐड करेंगे अब इसमें, और ये नींबू जिसका रस हमने निकाल के रखा था, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे दही के साथ। हमारा पेस्ट हो गया है तैयार। अब इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च जो हमने काट रखी थी, और हमारे प्याज, और हमारा टेस्टी पनीर, और अच्छे से इसको मैरिनेट करेंगे जो पेस्ट हमने बनाया था उसमें। और ये अच्छे से पेस्टिंग हो गई है हमारे पनीर पे और प्याज और शिमला मिर्च पे भाई। अब इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए हमारा साइड में, और जब तक ये अच्छे से मैरिनेट होते हैं हम बनाते हैं चटनी। तो दिखाता हूँ चटनी के प्रोसेस। तो चटनी बनाने के लिए हमने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, हमारी हरी मिर्च, धनिया, लहसुन और दही, और इसको अच्छे से करेंगे ग्राइंड। बाकी जो मसाले हैं वो ऐड करते हैं इसमें फटाफट, डालते हैं हल्का सा नमक, काला नमक थोड़ा टेस्ट के लिए, एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच हमारा धनिया पाउडर, और करते हैं इसको ग्राइंड और हमारी चटनी हो जाएगी तैयार। और हमने आज एक लिया है ब्रेड, चटनी में ऐड करेंगे ताकि जो चटनी है वो थोड़ी थिक रहे, तो ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं आप चाहे तो, और बाकी इट्स अप टू यू भाई। और अब करते हैं ग्राइंड हमारे सुजाता ग्राइंडर पे। ये देखिए हमारी चटनी बन के हो गई है तैयार, हरी, एकदम टेस्टी, स्वादिष्ट। कमेंट करके बताना भाई आपको ये चटनी कैसी लगी। ये भाई हम लेके आए हैं बारबेक्यू पनीर टिक्का के लिए, इलेक्ट्रिक बारबेक्यू है ये, काबिल कंपनी का। देखते हैं भाई इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा तो कैसा रहेगा। लेट्स भाई, ये हमारा पनीर है जो ये अच्छे से हो गया है मैरिनेट, और हमारा बारबेक्यू भी अच्छे से हो गया गरम भाई, देख रहे हो एकदम लाल हीटर, बहुत ज़्यादा गरम। तो अपनी नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं स्टार्टअप।
अब बारबेक्यू पे रखेंगे भाई अपने पनीर को, पनीर कैप्सिकम और ऑनियन मिक्स करके। तो भाई हमारी तीनों स्टिक्स हो गई है रेडी, बारबेक्यू भी भाई फुल अपने जोश पे है, गर्मी में फुल गर्म। तो रखते हैं ये स्टिक भाई, फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा, लेट्स सी कैसा रहेगा फर्स्ट एक्सपीरियंस। देखिए भाई हमारा पनीर टिक्का ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ये एक पीस थोड़ा कच्चा है, इसको पका लेते हैं जब तक, और ये ऑलमोस्ट रेडी है भाई हमारा, ये देखिए। ये भाई हो गया रेडी हमारा, और इसको करते हैं सेपरेट अप। अब ये एक और पीस हमारा मोस्टली रेडी हो गया है, इसको भी अलग कर लेते हैं। अब यही वाला बाकी है हमारा, ये भाई पनीर टिक्का हमारा कंप्लीटली हो गया है रेडी। अब इसमें ऐड करेंगे हम नींबू, आधा कटा हुआ नींबू टेस्ट के लिए, और ये MDH का चंकी चाट मसाला। अच्छे से करेंगे इसको मिक्स, और ये हमारा पनीर टिक्का हो गया है रेडी। इसको गर्मा गर्म पनीर टिक्के को हमारी खड़ी चटनी के साथ करेंगे सर्व। और ये देखिए क्या बेहतरीन हमारा पनीर टिक्का रेडी, ये ऊपर से आ गई है हमारी ग्रीन चटनी, लाजवाब। टेस्टी टेस्टी पनीर टिक्का आप अपने घर पे ही बना सकते हैं, ये देखिए क्या लाजवाब, आप भी अपने घर पे इजीली बना सकते हैं, और हेल्थ का भी ध्यान होगा, और भाई हम अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी यूज़ करेंगे अपने खुद से घर पे। तो ये बेहतरीन पनीर टिक्का बनाने के लिए। और अगर आपके पास बारबेक्यू नहीं है तो आपको हम गैस पर भी बना के दिखाएंगे ये सेम प्रोसेस। और ये हमारा फ्राई पैन हो गया गरम, और इस पे हम आपको बना के दिखाएंगे पनीर टिक्का। ये हमारा जो हमने फ्राई पैन पे बनाया है पनीर टिक्का, वो अब इसमें फटाफट डालेंगे आधा कटा हुआ नींबू और थोड़ा सा चाट मसाला। तो भाई ये था आज का ब्लॉग पनीर टिक्का का, पनीर टिक्का की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी बारबेक्यू पे भी, और अगर अवेलेबल नहीं है बारबेक्यू तो भाई मैंने फ्राई पैन पे भी आपको बना के दिखाया है। तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इतनी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। और आपके कमेंट्स और आपके लाइक से भाई मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पाऊँगा। तो प्लीज़ जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच गाइज़।